हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस को वसत देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब हैदराबाद मेट्रो रेल JBS से MGBS की लाइन का आगाज जल्द हो जाएगा। इस सिलसिले में ट्रायल रन भी किया गया है। मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने इस ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए रूट का जायजा लिया। जुबली बस स्टेशन से MGBS तक चलाई गई इस नॉन स्टॉप ट्रायल रन को महज 13 मिनट में पूरा किया गया। हालांकि जब इस रूट पर मेट्रो ट्रेन चलेगी तो इस लाइन पर मजमुई तौर पर 9 स्टेशन होंगे। इस रूट के आगाज के साथ ही हैदराबाद मेट्रो के फेज 1 का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। बता देंगे इस लाइन के लिए अवामुन्नास में काफी तजस्सुस पाया जा रहा है। अब मुख्तलिफ टेस्ट करते हुए और मुख्तलिफ एजेंसियों से सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद इस लाइन को अवाम के लिए शुरू कर दिया जाएगा। टुडे वी हैव कमेंस्ड ट्रायल रन्स ऑन कॉरिडोर 2 फ्रॉम JBS टू MGBS। दिस इज 11 किलोमीटर कॉरिडोर। दिस इज द लास्ट लेग ऑफ हैदराबाद मेट्रो फेज 1। एट एवरी स्टेशन इट विल स्टॉप फॉर अबाउट 20 सेकंड्स। इन दैट प्रोसेस, सो विद डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, विद ऑल दीज थिंग्स, इट विल टेक अबाउट 16 मिनट्स टू कवर दिस। नॉर्मली इट वुड हैव टेकन अबाउट 45 मिनट्स बाय रोड। सो लॉट ऑफ टेस्ट विल बी डन नाउ। बेसिकली ऑल इलेक्ट्रिकल टेस्ट आर ओवर। CIG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैज ऑलरेडी गिवन द सेफ्टी सर्टिफिकेशन। टुडे वी स्टार्टेड दिस ट्रायल रन्स। मोस्टली सिग्नलिंग इनपुट्स विल बी टेकन, complete recording will be done. Continuously these inputs will be sent to Thales organization in Canada. They give the safety certification. After that, CMRS, he is the one who has to give a safety certificate. Once it's cleared, then this corridor also will be opened for passenger operations very soon.